हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जरक्षा जेब और आप देख रहे हैं अपना चैनल जरक क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज हम एक न्यू यूनिक टाइप का ग्लास वन बनाएंगे। यार, सेकंड चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज़ वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फोटो एडिटिंग के रिलेटेड आपको बहुत सारी वहाँ पर एडिटिंग मिलती रहेंगी। बाकी यार, मैं ये फुल स्क्रीन पर वीडियोज़ बना रहा हूँ। आप अगर फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो आप जब वीडियो प्ले करते हैं तो आप वहाँ से फुल स्क्रीन करके रोटेट करके देख करें तो आपको फुल स्क्रीन पर नज़र आएगी। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है फ्रेंड, यहाँ पर आपने सिंपली नेम टाइप करना है। पिक्सलैब ऐप जो है ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपने यहाँ पर नेम टाइप कर लेना है। मैंने ये वाला नेम जोया लिख लिया है। जोया नेम टाइप करने के बाद आपने सिंपली करना कि हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि आप ए बी वाले फॉन्ट में चले जाओ। ठीक है, ऑप्शन में चले जाओ, यहाँ पर आपको फॉन्ट मिलते हैं। यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट लगाऊंगा। ये वाला फॉन्ट मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला फॉन्ट मैंने लगा लिया। फॉन्ट लगाने के बाद आपने इसका साइज़ कम कर लेना है। साइज़ कम करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट का। भाई, इम्पोर्ट में आपने चले जाना है, यहाँ पर पीएनजी ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर पीएनजी ऐड मैंने कर लिया है, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात आप लोगों को क्लियर तौर पर बताई है कि आपने इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। आपने सिंपली यहाँ पर अरेज कलर में आना है, इसको कर देना है अनेबल। आपने इस वन पर क्लिक करके इस ब्लैक को यहाँ पर ले जाना, ट्रांसपेरेंट को यहाँ पे रहने देना और ओके कर देना है। इसकी टॉलरेंस फॉलो कर देनी है। इस बैकग्राउंड, इस पीएनजी का और फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहाँ से इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर लेना है। आपको किसी मुश्किल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं जस्ट वन पीएनजी ही इस पे ऐड करूंगा। मैं इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लूँगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद फ्रेंड आपने करना क्या है, आपने शेप में आना है। शेप में आने के बाद आपने यहाँ पर डॉट सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सर्कल सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर स्ट्रोक में आना है। स्ट्रोक में आने के बाद आपने कलर ब्लैक कर देना है और 5 पे आपने इसकी स्ट्रोक रखनी है और इसको कम करके इसको यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लगाना चाहें फ्रेंड आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी में लगा लूँगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने डॉट्स लगा लिए हैं। ठीक है, आपको यार ये तो पता ही होगा, आपने डॉट सेलेक्ट करना है और सर्कल सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर स्ट्रोक ब्लैक कलर में रखनी है, यहाँ पर लग गया। अब आपने करना कि यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको एक लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये एक वर्ड में एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने सिंपली अरेज कलर में आना है। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस करना है जो आपने किया था वो ऊपर, जो मतलब पीएनजी लगाने का। यहाँ तक ये कट हो गया। अब आपने करना है कि आपने इसका बैकग्राउंड यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देना है और ये कार्ड में आने, कार्ड में आने के बाद सेव एज इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। नीचे अल्ट्रा शो का, तो आपने इसको सेव कर देना है। अब आपने फोटोशॉप टच ऐप में जाना है। फ्रेंड, यहाँ पर पीएस टच में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने पिक जस्ट ऐड की हुई है। अब मैं यहाँ पर आपको नेम ऐड करके दिखा देता हूँ। आपने इस प्लस पर आना है, फोटो लेयर पर जाना है, फोटो लाइब्रेरी में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो फोल्डर ढूंढ लेना है जिसमें आपका नेम है। ठीक है, पिक्सलैब में हमने नेम लिखा है तो आपने ये वाला नेम ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा जूम कर देना है। जूम करने के बाद आपने इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद अब आपने करना क्या है, इस लेयर पर क्लिक करके प्लस पे आना है और यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर पर दो दफ़ा क्लिक कर देनी है। तीन लेयर होगी। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफएक्स में जाना है और यहाँ पर लाइट में आ जाना है। इस एरो को पकड़कर ऊपर ले जाना है, इसको कर देना है फुल ब्लैक। अब आपने इस आइकन में आना है, यहाँ पे जो प्लस के साथ है। अब आपने यहाँ पर आना है ब्लेंड मूड वाले ऑप्शन में, इसको सिंपल ग्रीन कर देना है। अब आपने आ जाना है सेकेंड लेयर में। एफएक्स में जाने के बाद आपको ड्रॉप एंड शेडो का ऑप्शन मिलता है। आपने इसका एंगल हाई कर देना है, तो आपने इसका ब्लर जो है ना ये आपने कम कर देना है। ठीक है, आपने ये तकरीबन 5.3 करना है और जो डिस्टेंस है ना ये आपने 8 कर देनी। 8 करने के बाद आपने बिल्कुल सेम पहली लेयर की तरह प्रोसेस करना है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड वाली लेयर में आना है, एफएक्स में जाना है और बेवल में आना है। बेवल में आने के बाद आपने कलर ब्लैक कर लेना है और इसका ब्लर इंक्रीज कर देना है और डिस्टेंस भी इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, डिस्टेंस कम करें, ब्लर भी थोड़ा सा कम करें यहाँ तक। ठीक है, 35 डिस्टेंस और ब्लर 41.8 यहाँ तक हो गया। इसके अलावा आपने इस पे 3-4 दफ़ा बेवल लगा देना है। एक दफ़ा हो गया और दो दफ़ा हो गया और एंगल थोड़ा सा इसके इंक्रीज़ कर देना है, 125 पे कर देना है। दो दफ़ा बेवल लगा के ये तीसरी बार मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, आप काउंट भी कर दीजिएगा। 4 दफ़ा हो गया और ये 5 दफ़ा हो गया। 5 दफ़ा लगाने के बाद आपने यहाँ तक ही लगाना है। ठीक है, आप कम या ज़्यादा ही लगा सकते हैं। आपने इसका ब्लेंड मूड लैटन कर देना है। लैटन करने के बाद आपने सेकेंड लेयर में आ जाना है। ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, मोड प्लस कर देना है और बाकी ये वाला ब्रश सेलेक्ट आपने करना है, मोड प्लस कर देना है। टॉलरेंस टल्टी कंटिन्यूस की टेक ऑन रखनी है। अब आपने करना क्या है, ये जो डॉट से बने हुए हैं ना, पहले आपने इनमें कलर करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक हो गई। आपने ऊपर आ जाना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है।
यहाँ पर फेल पे क्लिक करके यहाँ पर कलर आपने कोई भी रख लेना। मैं जल्दी जल्दी इन डॉट्स में कलर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर डॉट्स मैंने कर लिए। मैंने आपको पूरा प्रोसेस पूरा गाइडलाइन किया है कि आपने कैसे करना है, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा फिर आपने इसी लेयर को सिलेक्ट करना है, ये वाला ब्रश सिलेक्ट करना है और अब आपने ध्यान से देखना है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है, इसी लेयर को सिलेक्ट करना है, सॉरी इस पर ब्रश सिलेक्ट किया, ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है, ठीक है। आपने यहाँ पर नॉइज़ रखना है और नॉइज़ वाइट आपने रख लेना है। वाइट रखने के बाद आपने इसका नॉइज़ जो है ना, ये फ्रेंड आपने तकरीबन 29 तक रखना है, यहाँ तक हो गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने करना है। फिर आपने इस लेयर को सेकंड को सिलेक्ट करना है और ये जो ओ लिखा इसको सिलेक्ट कर लेना है और आपने ऊपर आ जाना है फर्स्ट लेयर में। फिर आपने बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, लेकिन इस दफ़ा आपने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके भी अमाउंट जो है ना, ये आपने 30 पे तकरीबन कर देनी है, ठीक है, 29 पे। यहाँ तक हो गया आपको थंबनेल पर भी मैंने यही सेम कलर दिखाया। आप इस तरह बारी बारी आगे करते जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी में इस वर्ल्ड में कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने कलर नेम में कर लिया है, ठीक है। तरीका मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप ऊपर भी इस तरह PNG में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये मार्क लगा कर आपको दिखा भी दिया है। तो अब आपने फर्स्ट लेयर में आना है, FX में जाना है, यहाँ पर आपने लगा लेनी है ग्लो। ग्लो आपने कितनी लगानी है, 0.5 आपने ग्लो लगा ली। कलर आपने कर लिया वाइट। वाइट करने के बाद आपने इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर ली। अब आपने सेकंड लेयर की भी कर देनी है कॉपी और जो नीचे आना है इसकी भी कर देनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर ध्यान देना है, आपने इसका ब्लेंड मोड लैटरन ही रखना है और ऊपर वाले को सिलेक्ट कर देना है इस लेयर को, ठीक है। और यहाँ पर टू लाइंस पे आना है और सेचुरेशन इस पर लगा देनी है, ठीक है। तकरीबन 2 दफ़ा इस पर सेचुरेशन लगानी है, ठीक है। सेचुरेशन लगाने के बाद अब आपने करना है कि ऊपर फिर आ जाना है इस वाली लेयर में, ठीक है, इसमें, और यहाँ पर टू लाइंस पे आना है, फिर आपने सेचुरेशन लगा देनी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया तो यहाँ पर आप ग्लास वन फ्रेंड रेडी है। आपने इस डन पर क्लिक करके इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर देना है। तो प्लीज़ सेकंड चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं फोटो रिटर्न की वीडियोज़ बहुत काफ़ी अच्छी अच्छी डालता रहता हूँ। तो आपने पहले पिक पर क्लिक करना है, फिर ओके कर देना, तो ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का हमारा पास ये था ट्यूटोरियल। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।